हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पांच फाइव बैंड इक्वलाइजर सर्किट बताऊंगा। और इस सर्किट की यही खासियत है कि इसमें कोई आईसी यूज़ नहीं हो रही है, इसमें सिंपल छह ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये पाँच ट्रांजिस्टर हैं और ये यहाँ से हमें इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है इसी ट्रांजिस्टर से। बाकी पांच ट्रांजिस्टर जो है वो फाइव बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए हैं। ये पांच आप वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस ट्रांजिस्टर से शुरू करेंगे। ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा बेस के लिए, ये यहाँ से हम इनपुट देंगे, ये इनपुट है 2.2 माइक्रो फेरड, 50 वोल्ट का है ये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम इनपुट देंगे और ये आपको कलेक्टर दिख रहा है फ्रेंड्स इस ट्रांजिस्टर का, यहीं से हम आउट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम इनपुट देंगे, यहीं से हम आउट ले लेंगे। ठीक, 10 माइक्रो फेरड, 50 वोल्ट। फ्रेंड्स, जितने भी ये कैपेसिटर दिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे 50 वोल्ट के हैं। ये 10 माइक्रो फेरड, 50 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है 680 ओम, 680 ओम की रेजिस्टेंस है ये। अब यहाँ से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये पीएफ जो है 100 पीएफ है और ये कलेक्टर से बायसिंग रेजिस्टेंस हमारी लगेगी, ये है 220 के की रेजिस्टेंस लगेगी। और ये कलेक्टर पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे फ्रेंड्स 3.9 के। उसके बाद ये एमीटर, एमीटर से ये क्रॉसओवर के लिए फाइव बैंड इक्वलाइजर के लिए चली जाएगी। तो ये फ्रेंड्स रेजिस्टेंस है, एमीटर की रेजिस्टेंस है 4.7 के। और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है फ्रेंड्स 47 माइक्रो फेरड, 25 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा हो गया। ये जो पूरा सर्किट है वो मेन ट्रांजिस्टर है, ये यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम आउट ले रहे हैं, ये मेन ट्रांजिस्टर है। उसके बाद में यहाँ से हमारा बैंड इक्वलाइजर के ट्रांजिस्टर शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेज है यहाँ पर, ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स 56 के, 56 के की रेजिस्टेंस है और ये भी 56 के की रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है फ्रेंड्स, ये है 820 ओम, 820 ओम। ये जो पीएफ है इनको देख लेते हैं, इन्हीं से ही फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है आगे। तो ये है फ्रेंड्स 0.033 माइक्रो फेरड। ये पॉलिस्टर में लेंगे हम तो बहुत बढ़िया है। और ये जो है 1 माइक्रो फेरड या 105। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 माइक्रो फेरड है, 105 है। और अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये है 100 के का वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड, अब ये इसके एमीटर पे रेजिस्टेंस है, ये है 6.8 के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक बैंड इसका पूरा क्लियर हो गया। अब दूसरे बैंड पे आते हैं, ये वही, उसके बाद में 56 के, उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो, ये भी 56 के और ये इसी तरह 820 ओम,
और ये इसी तरह 6.8 के, और इसके बाद में ये पीएफ देख लेंगे फ्रेंड्स, ये है 0.1 या 104, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये 0.47, ये 0.47 का है, और ये वही 100K की रेजिस्टेंस, वो 100K का ये वॉल्यूम है। उसके बाद तीसरे वाले पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये भी 56K और ये भी 56K, ये वही 820 और ये 6.8K। और फ्रेंड्स ये जो मेन पीएफ है वो है 0.022, और ये जो है 0.22 माइक्रोफेरड, ठीक है फ्रेंड। ये 0.022 माइक्रोफेरड, ये सारे पीएफ 100 वोल्ट के लेंगे हम पॉलिस्टर 56K। उसके बाद में ये 56K, 820 ओम, 6.8K, और ये पीएफ है फ्रेंड्स 0.0055, और ये है 0.1 माइक्रो फेरड। ये फ्रेंड्स 0.0055 है, अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये है 502, और ये 0.1 है, ये 104 है। उसके बाद में इस पे आते हैं लास्ट वाले पे, ये है 56K, ये भी है 56K, ये है 102, ये है 0.01 माइक्रोफेरड, 0.1 माइक्रोफेरड। ये सारे पीएफ फ्रेंड्स 100 वोल्ट में है और पॉलिस्टर है, सिरेमिक पीएफ नहीं है, और ये है 820 ओम, और ये है 6.8K। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, ये है, ये भी 100K, ये सबसे पहले ये है फ्रेंड्स, इससे हम 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये है फ्रेंड्स 150 हर्ट्ज, उसके बाद में इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स 500 हर्ट्ज, ये है 1.5K हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज, और ये है 10 किलो हर्ट्ज। अब फ्रेंड्स इसमें जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर जो है फ्रेंड्स वो आप चाहें तो BC549, फ्रेंड्स ये लो नॉइज़ का ट्रांजिस्टर होता है, तो इसको लेंगे तो रिस्पॉन्स और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो हम BC547 का यूज़ इसमें कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। दूसरा यहाँ हम वोल्टेज देख लेते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज इसके रहेंगे 12 वोल्ट, सिंगल सप्लाई का यूज़ हो रहा है, वो आप देख रहे होंगे सिंगल सप्लाई का यूज़ है, तो 12 वोल्ट हम लेंगे, और यहाँ पर एक हम कैपेसिटर इसमें ऐड करेंगे,
ये होगा 1000 माइक्रो फैरड, 25 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 माइक्रो फैरड 25 वोल्ट का हम इसमें कैपेसिटर ऐड कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि फिल्ट्रेशन अच्छा हो और हमिंग भी ना आए। तो फ्रेंड्स यही सर्किट है। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये सर्किट आपको कैसा लगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें यही है कि इसमें कोई आईसी का यूज़ नहीं हो रहा, केवल इसमें पीएफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।